आज सारी दुनिया धनतेरस का त्योहार मना रही है। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या स्वरूप है, क्यों मनाया जाता है, इसका जैन धर्म से क्या महत्व है। अनेक विद्वान तक भी मेरे से ये पूछ रहे हैं बार बार कि धनतेरस का जैन संस्कृति से क्या संबंध है, आप हमें प्रमाण सहित बताइए। पर मैं क्या बताऊं, हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। पक्के प्रमाण यदि हम चाहते हैं तो किसी के भी पास कोई प्रमाण नहीं है। ये बहुत प्राचीन चीज़ें हैं, लोक परंपरा में घुल मिल गई है, लोक परंपरा में चल रही है। बहुत इनमें परिवर्तन देश काल परिस्थिति के अनुसार होते रहे हैं, क्या बताया जाए। लेकिन लोगों की जिज्ञासा शांत नहीं होती है और वे बार 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 आग्रह करके इसे पूछ रहे हैं और हमसे जानना ही चाहते हैं कि क्या कारण है आखिर। तो मैं वो बताना चाहता हूँ जो मुझे मेरे अनेक गुरुओं ने बताया है, जो मैंने गुरु परंपरा से सुना है। हमारे गुरु जी डॉक्टर हुकम चंद जी बाहरिल ने हमें बताया कि धनतेरस को हम बनिए लोग धनतेरस कहते हैं। हमको हर बात में धन ही धन दिखाई देता है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसे हम लोगों को बनिए होने के कारण बात बात में धन दिखता है। जबकि आज के दिन का धन से कोई संबंध नहीं है, ये धनतेरस नहीं बल्कि धन्यतेरस है। धन्यतेरस इसलिए है कि आज के दिन भगवान महावीर मोक्ष की ओर और एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने अब तक जो दिव्य ध्वनि देने का कार्य था, विहार का कार्य था, वो सब भी अब बंद हो गया। वे योग निरोध कर चुके, इसलिए आज की तेरस को धर्मात्मा जीवों ने, मोक्षार्थी जीवों ने धन्य त्रयोदशी कहा। इसी तरह आचार्य विद्यानंद जी भी इस बात को बहुत जोर देकर कहते थे। आचार्य विद्यानंद जी कितने विद्वान, विविध संस्कृतियों के गहन अध्येता थे। वे भी कुछ पढ़ लिख कर कहीं से देखकर किसी आधार पर ऐसी बात हमको बताया करते थे। वे कहते थे कि ये धनतेरस नहीं है, धन से रुपए पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ध्यान तेरस है। और वे इसको ध्यान त्रयोदशी कहते थे। और इसके पीछे तर्क देते थे कि आज के दिन भगवान महावीर शुक्ल ध्यान के, परम शुक्ल ध्यान के एक कदम आगे बढ़े थे, परम शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए थे, इसलिए इसे हम ध्यान तेरस कहते हैं। अब तक उनका जो विहार आदि चल रहा था वो सब अब रुक गया, प्रवचन आदि रुक गए, योग निरोध किया। इस प्रकार परम शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होने के कारण इसे हम ध्यान तेरस कहते हैं। वे एक बात और कहते थे कि आज के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, तो बर्तन क्यों खरीदते हैं इसका भी एक कारण है, संबंध है। और वो संबंध ये है कि हमारे ज्ञानियों ने ये कहा कि देखो भगवान महावीर तो परम शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए, अब तुम्हें प्रवचन नहीं मिलेंगे,
लेकिन तुम आज से ध्यान प्रारंभ करो। आज ये ध्यान त्रयोदशी है, अध्ययन बहुत हुआ, अब ध्यान करो और आज से ध्यान प्रारंभ करो। तो कुछ लोग कहने लगे कि हम कैसे ध्यान करें, हमें नहीं आता। तो ज्ञानियों ने कहा, ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम ध्यान के पात्र तो अवश्य बनो, अपने अंदर पात्रता तो प्रकट करो। तो इस बात को सुनकर लोगों ने सोचा कि ये पात्र वात्र क्या होता है, जनता तो जनता ठहरी, जनता का क्या। तो उन्होंने पात्र का अर्थ बर्तन समझ लिया और वो अपने घर पर एक बर्तन खरीद के लाने लग गए, सोचने लग गए मनाली ध्यान त्रयोदशी। इस तरह आज का दिन ध्यान तेरस के रूप में हमें मनाना चाहिए। धन तेरस, धन्य तेरस या ध्यान तेरस, इसे हम कैसे मनाएं, क्या करें आखिर कुल मिलाकर। तो मित्रों, पर्व का मतलब ही होता है पवित्र अवसर। यदि ये पर्व है तो उसे मनाने का एक ही तरीका है कि अपनी आत्मा में पवित्रता प्रकट की जाए, और वो पवित्रता आत्म ध्यान से प्रकट होती है। धनतेरस को हमें ध्यान से जोड़ना चाहिए और आज के दिन हमें अवश्य थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करना चाहिए। इसी से ध्यान त्रयोदशी मनाना सफल कहा जाएगा, यही इस पर्व का महत्व है। प्रत्येक पर्व का यही पर्वत्व है कि उसमें हम अपनी आत्मा में पवित्रता प्रकट करें। आप सभी को ध्यान तेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।